तो दिल्ली और एनसीआर में लगातार जो हवा है वो पॉल्यूशन की वजह से खराब होती जा रही है और दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से अब पाबंदी का लेबल ग्रुप 3 तक लागू हो गया है, ग्रैप 3 लागू कर दिया गया है। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI का लेवल 400 के ऊपर बना हुआ है। इसकी वजह से ग्रैप 3 लागू करने का फैसला लिया गया है, यानी कि अब दिल्ली में कई पाबंदियां लागू हो गई हैं। पाबंदियों को सख्ती से लागू कराने के लिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय सुबह 11:30 बजे अधिकारियों के साथ एक मीटिंग भी करने वाले हैं। तो आप समझिए कि पॉल्यूशन का लेवल दिल्ली एनसीआर में इतना ज्यादा हो गया है कि अब यहां पर खासतौर पर दिल्ली में ग्रैप 3 लागू कर दिया गया है। इसमें कई पाबंदियां होंगी, वो पाबंदियां क्या होंगी, किस तरह से लागू किया जाएगा, इसको लेकर जो पर्यावरण मंत्री हैं दिल्ली के गोपाल राय, उनकी 11 बजे के अधिकारियों के साथ एक मीटिंग भी रखी गई है। ग्रैप 3 लागू होने के बाद दिल्ली में कई पाबंदियां लागू हो जाएंगी, जैसे घर या भवन निर्माण का काम या फिर तोड़फोड़ का काम नहीं हो पाएगा, उसे बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा खुदाई के ऐसे काम जो कि बहुत जरूरी नहीं है, इसके अलावा कच्ची सड़कों पर गाड़ियों के चलने की पाबंदी पूरी तरह से होगी। मलबे का ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं होगा। ईंट के भट्टे बंद कर दिए जाएंगे। इसके अलावा 8वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। जब तक कि ग्रैप 3 लागू होगा, क्लास ऑनलाइन चलेगी। इसके अलावा दूसरे राज्यों की उन डीजल बसों को दिल्ली में आने की अनुमति नहीं होगी जो कि BS6 नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक बसें जरूर आएंगी, दूसरे राज्य की CNG बसें भी आएंगी, लेकिन डीजल वाली गाड़ियां नहीं आएंगी। और दूसरे राज्य की BSV1 बसें या फिर ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाली बसों को दिल्ली में एंट्री की इजाजत होगी। तो सिर्फ डीजल गाड़ियों पर बैन होगा, बाकी जितनी CNG हैं या फिर इलेक्ट्रिक बसें हैं या BSVI बसें हैं, ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाली बसें हैं, उनको दिल्ली में इजाजत होगी एंट्री की। और इसी में बातचीत करने के लिए नोएडा से हिमांशु शुक्ला, गाजियाबाद से अमित राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, पहले तो नोएडा का ही हाल बताइए, सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन, बहुत सारी परेशानियां, जो दिल्ली और नोएडा खासतौर पर दिल्ली एनसीआर का जो पूरा इलाका है वहां पर परेशानियां दिन ब दिन खराब होती चली जा रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं। और AQI है वो तो अब 400 के पार बताया जा रहा है। आप जहां पर हैं उसके आसपास के एरिया में किस तरह से पॉल्यूशन का लेवल है और अब कितने दिनों तक इसी तरह से आबो हवा रहेगी, क्या किसी तरह से मौसम विभाग की तरफ से कुछ बातचीत हुई है, क्योंकि जब तक हवा नहीं चलेगी पॉल्यूशन कम नहीं होगा। देखिए, जाहिर तौर पे नीलू आपने हाल पूछा है, हाल बेहाल है और बहुत ज़्यादा ख़राब है। और आपको तस्वीरें पहले दिखाएंगे उसके बाद बताएंगे, आप देखेंगे किस तरीके की स्थिति है इस समय। और लगातार प्रदूषण का ग्राफ बढ़ रहा है, अब कम होने का नाम नहीं ले रहा है। 2 दिन हो गए, आज तीसरा दिन है। नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें 350 के आसपास दर्ज किया गया है। और इसके अलावा अगर बात करें दिल्ली का 431 के आसपास दर्ज किया गया है। प्रदूषण का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और देखेंगे आप किस तरीके से मैकेनिकल स्वीपिंग की जा रही है। यहाँ पे गाड़ियाँ लगातार पानी के छिड़काव की बात की गई, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से मैकेनिकल स्वीपिंग की बात की गई, इन तमाम चीज़ों की तैयारियाँ की गई है। हालांकि ये एक नाकाफी साबित होती है, इसीलिए लगातार प्रदूषण का ग्राफ बढ़ रहा है। और अब आपको बता दें कि ग्राफ यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान की स्टेज 3rd की लागू कर दी गई है। तो जाहिर तौर पर ये नौबत तभी आई है जब पोल्यूशन जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो 400 के पार जा चुका था, डार्क रेड जोन में था। बेहद खराब स्थिति में इस समय पर्यावरण है, वायु प्रदूषण है, लिहाजा स्टेज 3rd लागू कर दिया गया। और आपको बता दें इसके साथ कई पाबंदियां लागू हुई। सबसे पहली पाबंदी जो है वो क्रॉस बॉर्डर जो BS3 और BS4 के वाहन है उन पर, डीजल वाहन है उन पर रोक लगा दिया गया, प्रतिबंध, यानी सिर्फ BS6 के वाहन ही अलाउड होंगे। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन साइट्स वो पूरी तरीके से बंद कर दी गई है, कोई भी निर्माण कार्य भी नहीं किया जाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि जो ट्रक CND वेस्ट मैनेजमेंट ले जाते हैं उनको पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है। और इसके अलावा जो सड़क निर्माण कार्य है वो दिल्ली में, आपको बता दें प्राइमरी स्कूल पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली में प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए, ऑनलाइन क्लासेस की बात कही गई। फिलहाल नोएडा में इस तरीके का भी कोई डिसीजन नहीं आया, लेकिन जिस तरीके से प्रदूषण का ग्राफ बढ़ रहा है उसको देखते हुए तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं और प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन
ये नाकाफी साबित होती है क्योंकि बिल्कुल ये नाकाफी साबित हो रही है। और हिमांशु, इस तरह की स्थिति पिछले काफी दिनों से, खासतौर पर दिवाली के बाद से हमने देखा है कि इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। और जब तक, अब तो ये कहा जा रहा है कि चूंकि धुंध भी होगा, ये स्मॉग है, ये पूरी तरह से जो वातावरण में छाया हुआ है, और परेशानी जो बुजुर्ग है, बच्चे हैं, उनको ज्यादा हो रही है। इस वजह से बच्चों के स्कूल्स भी अब दिल्ली में बंद कर दिए गए हैं। गाजियाबाद से अमित राणा भी हमारे साथ हैं। अमित, अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है ये उत्तर प्रदेश का, और यहां पर स्थिति ये रहती है कि यहां पर हमेशा ऐसे भी अमूमन हमने देखा है एक ही यूआई बाकी जगहों से ज्यादा रहता है, और इस वक्त तो स्थिति ये है कि स्मॉग भी है, धूल भी है, एक पूरी तरह से वातावरण में धुंध की चादर है, और ये लोगों के लिए अब जानलेवा साबित हो रही है। जी बिल्कुल लीलू, आपने बिल्कुल सही कहा, और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में लगातार पोल्यूशन का स्तर बढ़ता जा रहा है। अगर आज सुबह के एयर लेवल की मैं बात करूं तो 336 है, जो कि रेड जोन में आता है और बेहद घातक भी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से सुबह से यहाँ फॉग जमी हुई है और लोग बाग जो है वो यहाँ से गुजर रहे हैं। जो फ्लाई ओवर पर फिलहाल हम खड़े हैं, धोबी घाट आरओबी पर हम खड़े हुए हैं और तस्वीरें आपके सामने है, लगातार यहाँ से वाहनों का आना जाना शुरू है। लेकिन बड़ी चीज यही है कि हर साल दावे तो किए जाते हैं, हर साल कवायदे की जाती है, बावजूद उसके जैसे ही ये मौसम आता है, जैसे ही मौसम में तब्दीली होती है, दिवाली के वक्त का आसपास का समय होता है, उस दौरान दिल्ली एनसीआर समेत गाजियाबाद में भी लगातार पोल्यूशन का स्तर बढ़ता चला जाता है। हालांकि एहतियात के तौर पर एनजीटी भी कई कदम उठाती है और यहाँ पर जो सारे ग्रैप भी लागू किए गए हैं, आज से की अगर हम बात करें तो आज से ग्रैप 3 भी लागू कर दिया गया है दिल्ली में। और ये भी कहा गया है कि दिल्ली में जो बाहर के वाहन है, जो BS6 है, इसके अलावा कोई वाहन वहां प्रवेश नहीं करेंगे। कंस्ट्रक्शन साइट पर पहले ही गाजियाबाद में भी रोक लगा दी गई थी और जो जगह जगह जल छिड़काव नगर निगम की गाड़ियों द्वारा किया जा रहा है, लेकिन इसका सीधा सीधा असर बुजुर्गों पर पड़ रहा है और छोटे बच्चों पर पड़ रहा है। अगर हम सरकारी अस्पताल के आंकड़ों की बात करें तो दमा और अस्थमा के मरीजों की तादाद दिन ब दिन अस्पतालों में बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर डॉक्टर ने भी यह एडवाइजरी जारी की है कि सुबह के वक्त जो लोग मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं वो फिलहाल मॉर्निंग वॉक पर जाना अवॉइड करें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है रेलू की, इस सब में जहां शासन एवं प्रशासन अपनी तरफ से काम कर रहा है, वहीं आम जन की जन सहभागिता भी बेहद जरूरी है ताकि इस बढ़ते हुए पोल्यूशन से लोगों को निजात मिल पाए। नहीं तो ये वो दिन दूर नहीं है जब दिल्ली एनसीआर के लोग अपने आप को सुरक्षित पाने के लिए यहां के दूर दराज इलाकों में बिल्कुल जाएंगे। और ऐसा हो भी रहा है, कई ऐसे लोग हैं जो कि इस टाइम पर खास तौर से दिवाली के बाद से लेकर दिसंबर तक वो बाहर चले जाते हैं। हाँ, जिनके पास पॉसिबिलिटीज है वो तो बाहर चले जाते हैं, लेकिन बाकियों का क्या, उन्हें तो काम काज यही करना है, यहीं पर रहना है, उनके लिए बड़ी दिक्कत यहां पर हो गई है। हापुड़ से विपिन गिरी भी हमारे साथ है। विपिन, हर साल की बात यही है कि हम जैसे देखते हैं दिवाली खत्म होती है, स्मॉग का एक गुबार पूरे वातावरण में देखने को मिलता है, एक ही ऑयल इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो जहरीले स्तर पर पहुंच जाती है, रेड जोन घोषित कर दिया जाता है, उसके बाद ग्रैप 1, ग्रैप 2, ग्रैप 3 हर बार बात होती है, लेकिन वही ढाक के 3 पात, और हर बार जो आम लोग हैं उनको इसी तरह से पॉल्यूटेड हवा को इनहेल करना पड़ता है और उनके लिए काफी ज्यादा दिक्कत आ जाती है। हापुड़ में क्या हाल है वहां पर? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, सुबह के वक्त खुली हवा में सांस लेने के लिए मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं, लेकिन वो हवा भी अब जहरीली हो चुकी है, ताजा हवा नहीं बची है। हापुड़ की बात करें तो हापुड़ में AQI, देखिए अभी जो AQI हम चेक कर पा रहे हैं, 382 हापुड़ का AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है अभी 382 है, यानी कि बहुत ज्यादा हापुड़ की हवा जहरीली हो गई है। और इस वक्त मैं हाईवे के किनारे हूँ और आप देखिए यहाँ पर आसमान में जहां तक भी प्रदूषण की परत जमी हुई है, यही प्रदूषण की परत की चलते अब हापुड़ में जो सबसे ज्यादा परेशानी है वो बड़े बुजुर्गों का है। अस्पताल में दमा अस्थमा के जो मरीज हैं वो ज्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं, सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो। इसके अलावा इस धुंध का अब जो कोहरे की और धुंध की जो मार है वो उसकी ट्रेनों पे भी असर इसका पड़ रहा है, कई ट्रेनें लेट भी चल रही है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी बुजुर्गों को हो रही है। और हापुड़ में जरूर ऊपर आदेश जरूर जारी होते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर जो काम होना चाहिए एयर क्वालिटी इंडेक्स को सही करने के लिए वो नहीं हो पाता है। यातायात विभाग द्वारा जरूर जो 15 साल से ऊपर डीजल और 10 साल 15 साल से ऊपर जो पेट्रोल वाहन और 10 साल से ऊपर जो डीजल वाहन है उनको जरूर कुछ है। गैस चैम्बर में तब्दील हो चुका है, हर बार की तरह इस बार भी जो धूल कण है या फिर जो धुंध है वो सब मिलकर स्मॉग कर रहे हैं, और उसे जो खास तौर पर
बच्चे और बुजुर्ग हैं वो उनके लिए इस वक्त की जो स्थिति है काफी परेशानी भरी है और कोशिश यही की जा रही कि किसी तरह से इस धूल और धुंध के गुब्बार को, क्योंकि मौसम विभाग भी कह रहा है कि जब तक हवा की गति तेज नहीं होगी तब तक ये धूल और धुंध जो है वो छटने वाला नहीं है और इसी तरह से अभी फिलहाल कुछ दिनों तक दिल्ली एनसीआर के लोगों को इसी तरह की हवा में जीना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, बागपत की बात करते हैं जहां पर 150 करोड़ के रुपए की जीएसटी चोरी के मामले में आयकर विभाग की टीम ने स्क्रैप कारोबारी सभासद नजीर अहमद के घर पर छापा मारा है। 200 बोगस फॉर्म बनाकर करीब 150 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी का आरोप है। सभासद नजीर मलिक और उसके दो बेटों समेत 6 लोगों को जीएसटी टीम साथ लेकर गई है। टीम को घर से करीब 10 लाख कैश और तमंचा भी बरामद किया है। बातचीत करने के लिए शहजाद राव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहजाद, सभासद के घर से क्या कुछ मिला है और किस तरह से ये टैक्स चोरी कब से की जा रही थी, क्या जानकारी से लेकर? देखिए, बागपत के हेगड़ा कस्बे में जो है जीएसटी की टीम ने कारोबारी है नजीर उनके घर पर छापेमारी की है और 150 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी पकड़ी है। गुरुराम की जीएसटी टीम ने छापा मारते हुए नगर पालिका सभासद व स्क्रैप कारोबारी सहित उसके दो बेटों को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि इनके पास से 10 लाख रुपए की नकदी, एक मोबाइल फोन, अवैध हथियार, लैपटॉप और प्रिंटर बरामद किया गया है। इन्होंने जो है 200 के करीब फर्जी बोगस फर्म बनाई थी जिनसे इन्होंने 150 करोड़ रुपए का सरकार को चूना लगाया है। शिकायत के बाद जो है जीएसटी गुरुग्राम की टीम पहुंची थी जिसमें लगभग 6 सदस्य थे। उन्होंने छापामारी की इनके आवास पर पहुंचकर और इन्हें हिरासत में लेकर जब पूछताछ की तो चोरी का खुलासा हुआ। टीम इन्हें लेकर साथ वापस चली गई। स्क्रैप कारोबारी है और नगर पालिका बागपत। ठीक है शहजाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। 150 करोड़ की जीएसटी चोरी का मामला, आप छापेमारी हुई है, 6 लोगों को इसमें टीम ने हिरासत में लिया है।